नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबको टेक स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मालपोत कार्यालय के प्रमुख झा 5 लाख संगे अख्तियार के फंदा में पड़ल मुख्य प्रशंसा। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय धनुषा के निमित्त प्रमुख सुनील झा 5 लाख रुपया सहित अख्तियार के फंदा में पड़ल सैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग वर्दीवास के टोली निमित्त प्रमुख झा के आई भिनसर जनपुर के भानु चौक से 5 लाख घूस रकम सहित नियंत्रण में लेने सैन। प्रमुख झा जगह के हक छाप मुद्दा के फैसला करे लेल सेवाग्राही संग 5 लाख रुपया घूस लेने बुझ में आयल। यहाँ से मालपोत कार्यालय का निमित्त कार्यालय प्रमुख जी ने सेवाग्राही बड़ा कुछ मुद्दा मिलाई भर घुस रिश्वत मांग हम कहाँ निवेदन पड़े किसी को खबर संकलन करते अलग वहाँ आज 8:15 बजे हमें रंग याद पकड़ कर सूचना संबंध कार्यक्रम कराया था सब अनुसंधान कार्य थप कार्यवाही के प्रक्रिया आगा बढ़ाओल गेल। महतारी से 93 किलो प्रतिबंधित गांजा सहित 1 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने अच्छे। नियंत्रण में रहल धारडिंग ठात्रे निवासी 36 वर्षक रमेश तमांग रहल सैन। विशेष सूचना के आधार में सशस्त्र प्रहरी छिन्मस्ता बाइनी से खटल प्रहरी टोली बीतल रात महतरी के मनरा सिसवा नगर पालिका सुनौली गांव से नियंत्रण में लेने अच्छे। वो सवार ना 37935 नंबर के ट्रक से 93 किलो गांजा नियंत्रण में ले गए प्रहरी जानकारी देने सैन। आरोपी तमांग के नियंत्रण में लग जिला प्रहरी कार्यालय महतरी के बुझाव तैयारी भ रहा। सशस्त्र प्रहरी मध्य प्रदेश के प्रमुख समेत रहल गणेश ठाडा मगर जानकारी देने सैन। सलाही केशवरपुर नगर पालिका 5 फूलजोर चौक में बस पलटला से चालक सहित बस में सवार 24 गोटे यात्रु घायल भेल सैन। घायल मध्य 53 वर्षक कमला श्रेष्ठ राय के अवस्था गंभीर रहल प्रहरी जानकारी दिलक। हुनकर जनकपुर स्थित रामा मेमोरियल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। पारिश्रमिक सहकारी संस्था मोरंग से भ्रमण के लेल प्यूठान जाकर मोरंग दिस घुरल प्रदेश 301005 98 नंबर के बस आई भिनसर 4:45 बजे दुर्घटना में पड़ल सन। सप्तरी में पोखर में डूबला से 1 गोटे बालक के मृत्यु भेल। सप्तरी के विष्णुपुर गांव पालिका 2 सिमराहा रहनिहार इंद्रदेव यादव के 8 वर्षक बेटा देवराज यादव के पोखर में डूबि कर मृत्यु भेल। अपने मामा घर जिला सप्तरी राजगढ़ गांव पालिका वार्ड नंबर 4 स्थित घर नजदीके रहल सार्वजनिक पोखर में रवि दिन दोपहर नहाय गेल क्रम में डूबला से बालक के मृत्यु भेल। बालक के गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजबिरा सप्तरी में ले जा रहल समय बाढ़ में मृत्यु भेल। सप्तरी के प्रहरी प्रवक्ता DSP माधव प्रसाद काफले जानकारी देने सैन। लाश के कानून बमोजी मुचुलका लगात पोस्टमार्टम समेत के कार्य सम्पन्न क अंत्येष्टि के लिए परिवार के जिम्मा लगाब प्रहरी जानकारी देने सैन। गठबंधन के 5 दल सामूहिक अपील जारी कलक। अपील में नेता सब आपसी सहयोग कर प्रण से लेने सैन। वो सब 22-23 गति होब लागल स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल के विषय में स्थानीय स्तर में देखल गेल बेमेल के संबोधन करते यह प्रण लेने सैन। देश भर ठाव आ अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाकर आपसी सहकार्य आ पारस्परिक सहयोग के भावना संगे आगा बढ़ब 5 दल के नेता कार्यकर्ता के आह्वान कल गल। परिवर्तन निरोधी आ प्रतिगामी दुराशय सब देश आ लोकतंत्र के जोगा 5 दलीय गठबंधन बनल जिक्र करते आगामी चुनाव में संगे रह प्रतिबद्धता दोहरियाल गेल। 22-23 गति होबय लागल स्थानीय तह के निर्वाचन रोक मांग करते दायर कल गेल रिट सोम दिन स्थगित के सूची में पड़ल। अंतिम आदेश देव वा नहीं देव कहल गेल संबंध में सोम दिन के लिए पेशी तोकल गेल में सर्वोच्च अदालत उक्त पेशी स्थगित कलक। जनप्रतिनिधि के समय अवधि 5 वर्ष के रहल मुदा सरकार 5 वर्ष पूरा न हुई स्थानीय तह के निर्वाचन कर लागल कह के पर्सा के मैनापुर गांव पालिका का अध्यक्ष विजय कुमार चौरसिया दायर के रिट सोम दिन के पेशी सूची से हटाओल गेल। सूची से हटा संगे स्थानीय तह के निर्वाचन रोक आदेश आव जेहन संभावना तत्काल के लिए टरल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार।
नेपाली बाजार में सोन के दाम सोम दिन तोला में 200 रुपया से घटल नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई छापावार सोन के दाम तोला के 1,01,00 रुपया निर्धारण कल गया रवि दिन सोन तोला के 1,03,00 रुपया कायम कल गया छल अहिना आई तेजाबी सोन के दाम 99,600 रुपया निर्धारण कल गया चांदी के दाम आई स्थिर देखल गया रवि दिन 1,365 रुपया में कारोबार भेल चांदी आई वह दाम में कारोबार भ रहा महासंघ जानकारी दिलक टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के भारूच जिला में सोम दिन एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी के कारण विस्फोट भेल अछि। एहि में 6 गोटे मजदूर के मृत्यु भेल अछि। घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में भिनसर करीब 3 बजे भेल अछि। भारूच के एसपी लीना पाटिल के अनुसार मजनूर एक रिएक्टर नजदीक के काज करे छल जाय में अचानक विस्फोट भेला से अय में रहल संपूर्ण गोटे के मृत्यु भेल अछि। लाश के पोस्टमार्टम के लेल अस्पताल ल जाओल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल हेतबा अपन दोसर समाचार लक उपस्थित हेबेटा करब तखन धरि के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रहिए टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।